दोस्तों, सपनों का शहर दुबई। दुबई के बारे में तो हो सकता है कि आप बहुत ही कुछ जानते होंगे, पर आज मैं आपको दुबई की और भी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी, जिसके बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि दुबई शहर ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी दुबई जाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका दुबई जाने का कोई प्लान है तो वीडियो को पूरा देखें। दुबई में क्राइम शून्य है। जहाँ दुनिया भर में ज्यादातर शहरों में अपराध की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दुबई में क्राइम ना के बराबर होता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के इस्लामिक कानून बहुत ही कड़े हैं। अपराध ना होने की वजह से ही दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। दुबई की पुलिस के पास फरारी और महंगी कारें भी हैं। पुलिस को इतनी महंगी कारें देने की वजह यह है कि दुबई के चोरों के पास भी हाई स्पीड कारें होती हैं, जिसकी वजह से पुलिस के पास भी ऐसी कारें होना जरूरी होता है। दुबई बहुत तेजी से विकसित होने वाला देश है। साल 2009 में दुबई में मेट्रो सिस्टम केवल 18 महीने में ही तैयार करके दुनिया में अपना नाम बनाया। आपने डिज्नीलैंड के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहां पूरी दुनिया से टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन अब दुबई में महत्वाकांक्षी प्लान बनाया गया है, जिसमें 2020 तक डिज्नीलैंड से 2 गुना बड़ा पार्क बनेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल वर्जन अरब दुबई में ही है, जो कई बड़ी बड़ी इमारतों के लिए जाना जाता है। दुबई की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में ही है। यहाँ सबसे बड़ा एक्वेरियम है। दुबई के लोग चीता पालना पसंद करते हैं। यहाँ ऊँटों की रेस का खेल फेमस है। दुबई में इनकम टैक्स नहीं लगता। जहाँ भारत जैसे दुनिया के तमाम देशों में लोगों को टैक्स देना पड़ता है, वहीं दुबई के लोगों को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए लोग यहाँ जॉब की तलाश में आते रहते हैं। दुबई में कोई एड्रेस सिस्टम नहीं है। यहाँ दुनिया भर के तमाम शहरों में एड्रेस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से आसानी से किसी भी जगह पहुंचा जा सकता है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। और अगर आपको किसी एड्रेस पर जाना हो तो आपको किसी होटल की जानकारी होनी ही चाहिए। दुबई आने वाले यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वो अपने साथ दुबई का मैप लेकर चलें, जिससे उनको किसी भी जगह पर पहुंचने में आसानी हो। दुबई में 50% से ज़्यादा लोग भारतीय हैं। दुबई में रहने वाले कुल लोगों की 17% आबादी दुबई के लोगों की है। बाकी की 33% जनसंख्या दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोगों की है। भारत के कई लोग जॉब की तलाश में जाते हैं, जिनका वहां पर शोषण होता है। जहां जाते ही उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, और फिर बहुत ही मुश्किल से वो अपने घर वापस आ पाते हैं। दोस्तों, आपको दुबई का कौन सा रूल ज्यादा पसंद आया और कौन सा रूल सबसे ज्यादा खराब लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।